IRCTC द्वारा ये विशेष पर्यटन ट्रेन है जो कि भारत दर्शन के नाम पर रवाना होगी रतलाम से 17 अप्रैल 2021 को। इस भारत दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन में यात्रियों को कंफर्म ट्रेन टिकट, ठहरने के लिए उत्तम धर्मशालाओं में व्यवस्था और घूमने के लिए स्टेशन से मंदिरों के लिए और उनके जो ठहरने के स्थल हैं जहाँ पे पर्यटन स्थल में वहाँ पर बसों की व्यवस्था रहेगी और यात्रा के दौरान और जहाँ पर यात्रियों का जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर तीनों टाइम की भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं इसमें सम्मिलित है। ये ऑल इंक्लूसिव एक टूरिस्ट पैकेज है, बजट पैकेज, जिसमें यात्रियों को मात्र 4,725 रुपए में काफ़ी इकोनॉमिकल टूर पैकेज है एक स्पेशल ट्रेन द्वारा, भारत दर्शन ट्रेन द्वारा। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे मालवा क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बोर्डिंग पॉइंट हैं, रतलाम है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, तो यहाँ के यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। रामपथ यात्रा कौन कौन से स्पॉट खास रहेंगे देखने के लिए? रामपथ यात्रा भगवान श्री राम का जो वनवास का जो रूट था अयोध्या से लेके चित्रकूट तक, तो ये जो रूट था ये रामपथ यात्रा, इस मार्ग को रामपथ, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम जो है वो रामपथ यात्रा दिया है। इसमें अयोध्या के मंदिरों के दर्शन होंगे और नंदीग्राम है अयोध्या के पास, वहाँ के मंदिरों के दर्शन होंगे। फिर ये प्रयाग आएगी इलाहाबाद और वहाँ पर श्रृंगवेरपुर के भी मंदिरों में दर्शन होंगे। उसके बाद फिर ये चित्रकूट यात्री आएंगे और वहाँ पे चित्रकूट में काफ़ी समय भगवान श्री राम ने बिताया था अपने वनवास का, तो वहाँ के सारे मंदिरों के दर्शन होंगे और उसके बाद फिर ये ट्रेन वापस रतलाम आएगी। मात्र 4,725 रुपये पर पैसेंजर हम चार्ज कर रहे हैं। हाँ, कोविड जो है अभी कोरोना के केसेस, मतलब अभी मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं और अलग अलग राज्यों ने अपना अलग अलग प्रोटोकॉल नियम बनाया है, तो हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश जा रही है, मध्य प्रदेश से होती है, तो वहाँ पे अभी RT-PCR टेस्ट की अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो हमारे धार्मिक यात्राएं जब और जो हमारे हॉलीडे पैकेजेस वगैरह जैसे कर्नाटका या कश्मीर जाते हैं वहाँ पे अनिवार्य है, तो हम यात्रियों से वो RT-PCR टेस्ट करवाते हैं और वो रिपोर्ट लेती है। लेकिन इस ट्रेन में हमने विशेष जो एक आइसोलेशन कोच होगा इस भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन में, और अगर कोई यात्री को इस तरह के बुखार वगैरह के लक्षण आते हैं तो उनको बाकी यात्री ताकि प्रभावित ना हो तो उनको एक आइसोलेशन जो कोच रहेगा, एक कोच पूरा खाली रहेगा, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और अगले स्टेशन में डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी। IRCTC की तरफ से यात्रियों को पर डे मास्क और सैनिटाइजर की का किट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और जहाँ पर ट्रेनें हमारे हॉल्ट होंगे स्टेशनों पे वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से पूरा जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि फरवरी में हमने मध्य प्रदेश से 3 पर्यटन ट्रेन चलाई थी और उसमें सभी यात्री सुरक्षित वापस आए हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक था। और कोविड मेडिकल फैसिलिटी किस तरह की रहेगी? ट्रेन के अंदर तो फर्स्ट एड किट रहती है और एक आइसोलेशन कोच रहेगा। हाँ, आइसोलेशन कोच बेसिकली अगर कोई यात्री बीमार होता है, इस तरह के कुछ सर्दी बुखार के लक्षण आते हैं, तो उन्हें आइसोलेशन कोच में शिफ्ट करके ताकि वहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन में डॉक्टर अटेंड करके उनका प्राथमिक उपचार और फिर और यात्री की इच्छा के अनुसार अगर उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट की और आवश्यकता होती तो हमारे जो एक टूर स्कॉट्स होते हैं हर कोच में वो उनको यात्रियों के साथ डीबोर्ड करके उनका ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह और मैं क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC भोपाल। किस तरह का पैकेज रहेगा? देखिए, ये 4 मई को हमने एयर पैकेज लॉन्च किया कश्मीर का। ये 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। इसमें श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये डेस्टिनेशन आपकी कवर रहेगी। इसमें आपका इंदौर के लिए लॉन्च किया जिसमें फ्लाइट टिकट्स भी आएगी इंदौर टू श्रीनगर एंड बैक। रुकने के लिए आपका डीलक्स होटल रहेगा विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। साइट सीइंग इसमें आपकी AC टेम्पो ट्रेवलर से रहेगी पूरे टूर के लिए।
प्लस एक आईएससी के वहाँ पे जो भी लोकल स्टाफ है कोऑर्डिनेशन के लिए रहेगा। और टोटल चार्जेस इसका सर 32,300 32,300 रुपये पर पर्सन। अभी किस तरह के हालात हैं सर जिस कश्मीर में, क्या टूरिज्म को लेकर जो है ये बढ़ावा देने के लिए? अभी कश्मीर में काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी एक हमारा टूर गया था 12 मार्च से 17 मार्च तक जी, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। बस कश्मीर जाने के लिए आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैरी करना कंपलसरी है, वो सबके टेस्ट कंपलसरी। इसके पहले सर इंदौर से ऐसा पैकेज भेजा गया? हाँ, इसका कश्मीर का 12 मार्च से गया था और इससे पहले 26 फरवरी को मैं केरल टूर भी गया था। इसी साल कश्मीर इसी साल गया था 12 मार्च 2021। और इसके अलावा हमने और ध्यान में देखते हुए, क्योंकि चार धाम उत्तराखंड के चार धाम जो है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, इसके लिए भी पैकेज एयर पैकेज लॉन्च किया है जो आपका 25 मई और 18 जून को इंदौर से जाएगा। दो डिपार्चर दिए थे और इसमें आईआरसीटीसी टूर मैनेजर आपके साथ में रहेगा पूरे टूर में एक्स इंदौर से इंदौर तक, क्योंकि चार धाम थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर रहता है। कितना चार्ज सर उसका? 49,500 रुपीज़ है पर पर्सन। योर नेम? जी रौनक भल्ला, चीफ सुपरवाइजर आईआरसीटीसी। और इसका चार धाम का प्राइस में आपका मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री विद हरिद्वार ऋषिकेश, ये सब साइटिंग आपकी इसमें रहेगी।